श्रोमणी अकाली दल नेत्री हरसिमरत कौर बादल ने बताया कि झूठ बोलकर पंजाबियों को गुमराह करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने केजरीवाल की सियासत चमकाने के लिए पंजाब को कर्ज में डुबो दिया है। पंजाब सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, कल तुम देखा बसा सरकारी बसा तक दुरवरतों की गई है, ये लोग फिर भी नहीं गए उठे। देखो इस सरकार का पर्दा फाश हो गया, लोग इन्हों की असलियत जान गए ने कि मुख्यमंत्री साहब नूं सिर्फ गलां दा कड़ा बनाना आंदा हैगा, यह झूठ दे व्यापारी ने आम आदमी पार्टी, भावें केजरीवाल होए भावें भगवंत मान होए, इन्होंने झूठ मार मार मुख्यमंत्री बन गए। तो दो साल तो मुख्यमंत्री बनने तो बाद भी जिहड़े अपने आप नूं आम आदमी कहलांदे ना लोगों के नेड़े गए, ना ही किए हुए वादिया विचों एक भी पूरा कोई किया, जिहड़े जीरो बिल के इश्तहार कदे आ बीबियां मेरे कोल गरीब खड़े ने जिन्हों 27-27 हज़ार के बिल आए हैं। सो हरेक चीज़ ना 1,000 रुपए किसी के खाते च आए, ना 2,500 किसी बुजुर्ग को पेनशन मिली है, बादल साहब के दिते हुए कार्ड उल्टा कट दिते, शगन के चैक बंद करते, एक इट नहीं लगी हैगी किसी हल्के च, बल्कि 60,000 करोड़ का कर्जा पंजाब के सूबे के उत्ते चढ़ाता। तो कल गला मार के हुण लोगों नूं गुमराह करन वास्ते तुसीं देखो बसा हैगियां लोगों की सुविधा वास्ते, सरकार के खजाने तो बसा चलदियां ने लोगों नूं इत्थे उत्थे ले जाण वास्ते, लेकिन केजरीवाल की रैली चमकाने वास्ते हर बारी भावे किसी कमरे का उद्घाटन होए भावे किसी स्कूल के कमरे का हस्पताल के कमरे का दिल्लियों केजरीवाल आके उद्घाटन करता, क्योंकि वो केजरीवाल भी मुख्यमंत्री नूं उद्घाटन करन लायक नहीं समझता, उसकी आप की पार्टी च ही मुख्यमंत्री की इज्जत नहीं है। तो सरकारी बसा का खर्चा लोगों के सिरा ते पा के लोगों ढा के उत्थे वास्ते लैके जाते ने रैली वास्ते, लेकिन एक दो बारी तो लोग गुमराह हो गए। हुण तां जिवें मान साहब की बेटी ने ही जग जाहिर करता, जिहड़ा घर का भेदी लंका डाए, बेटी तो वध कोई नहीं जाता पिता नूं परिवार नूं, ते किवें दुखी तरीके दे नाल बेटी ने दस्या कि पिता किवें झूठ बोल के गुमराह कर रहा पंजाब दे लोकी, जाग जाओ। ते लोकी दा जागण दा इह नतीजा होया कि भावें सरकारी बसा खड़ी करके लोगों नूं उहदे विच भरन की कोशिश की, लेकिन सारिया सीटा खाली सीगियां। लोकी समझ गए ने जिहड़ा कहिंदा कि घर जाके हुण सुविधावां लोकां नूं मिलणगीआं, ते सुविधा तां जिथे दफ्तर जांदे उत्थे नहीं मिलदे, इन्ने मुलाजम कित्थे जिथे घर घर जाके मिल जाणगे। इह सिर्फ भ्रिष्टाचार दा एक नई दुकान चला रहा हैगा, जिवें मोहल्ला क्लिनिक भी इस करके चलाई सीगी, इह हर चीज़ कदे पंजाब दे पैसे कमाण वास्ते। ते लोकी हुण भली भांति समझ गए ने हुण इहदे झांसिआं ते नहीं आना, हुण जिहड़े झाड़ू दे नाल इहनां लोकां ने 92 दे के घर दे अंदर वाड़िया सी, उस झाड़ू दे नाल इस गंदी सरकार नूं लोकां ने झाड़ू मार के दफा करना है, क्योंकि अज लोकी बादल साहब की सहूलतां नूं याद करदे ने। हर पक्षों पंजाब च नशा चल रहा है, लोकी दुखी होई बैठे ने। एक कांग्रेस ते आम आदमी ने मिल के जिहड़ा भंडी प्रचार साडे खिलाफ कीता सी, जे असीं वड्डे मगरमासी तां फिर 8 साल च फड़ के सानूं बंद क्यों नहीं कीता, बंद करन इस नशे नूं जिवें असीं बंद करदे सी। 10 साल पहले किहड़े नशे गली मोहल्लिआं च चिट्टा बिकदा सीगा, किन्ने बच्चे करदे सी, अज किहड़ा बच्चा जिहड़ा नहीं कर रिहा, तां किहड़ा गली मोहल्ला जिथे नहीं बिक रिहा, क्यों नहीं इह सरकार रोकदी है। अदालत नूं टिप्पणी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि लगदा सरकार बेकार रही हैगी, जे सरकारी ठेकियां तों चिट्टा बिक रिहा तां इह तां सरकार चलांदी हैगी, जे जेलां च मिल रहा तो सरकार चलांदी है। तो बिल्कुल सही गल है कि आज किसी मगरमच्छ नूं हाथ नहीं लाया जा रहा, बल्कि जिहड़े शिकायत करदे ने कि चिट्टा रोको उन्हां दे खिलाफ एक्शन किया जा रहा है। एक पासे चिट्टा ते दूजे पासे उस करके कानून व्यवस्था का इन्ना बुरा हाल है कि हिंदुस्तान का गैंगस्टर कैपिटल पंजाब बन चुकिया है। अज सारे तरह के हर इलाके के गैंगस्टर इत्थे पनाह इस सरकार ने दिती हुई है। लॉरेंस बिश्नोई वर्गे जाने माने गैंगस्टर शरेआम साडी जेलां तो इंटरव्यू देंदे ने, तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। ता ही कदे सिद्धू मूसेवाला मरदा है, काहे कोई अमलिया कोई खिडारी साडा मरदा है, काहे कोई दिन दिहाड़े लुट्टा खोआ कतल ये आम पंजाब च हो गया। इत्थे पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं हैगी, क्योंकि सरकार नाम की चीज़ नहीं है। जिहड़ा मुख्यमंत्री खुद नशेड़ी हैगा, सुबह तो नशे च धुत रहिंदा है, उन्हें पंजाब का की संवारना है, ये लोगों को समझ आ गया। इस करके उन्होंने रैलिया च कोई नहीं जा रहा है, जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।